सो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट वेनिशिंग क्रीम। मैं सर डॉक्टर प्रभजोत सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिक्स, चौधरी देवीलाल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हरियाणा, इंडिया। सो वेनिशिंग क्रीम्स आर द क्रीम्स विच सीम टू डिसअपियर रैपिडली वेन रब्ड ऑन द स्किन, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज वेनिशिंग क्रीम्स बिकॉज दे वेनिश और डिसअपियर। दीज क्रीम्स आर कंपोज ऑफ इमोलियंट एस्टर्स which leave little apparent film on the skin and have low percentage of oil phase. So oil phase इनके अंदर कम होता है और एस्टर होता है, that is stearic acid. Traditional formula of vanishing cream are based on stearic acid. Stearic acid melts on body temperature and crystallizes in a form so as to be invisible, providing a non-greasy film. So it is invisible and also it is non-greasy. Stearic acid also imparts attractive appearance to the cream. With stearic acid, white creams are produced, and sometimes because of this whiteness, these creams are called snow. So, snow की तरह की होती हैं क्योंकि ज़्यादा white होती हैं due to the stearic acid. These are oil in water type products with stearic acid or one of it fat like hydrophilic ester as the major emulsified ingredients, and with comparatively little other fat or oil constituent. सो ज़्यादातर जो मेन इनका इंग्रेडिएंट होता है डेट इज़ द स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन वन टाइप ऑफ दिस क्रीम्स। अ गुड क्वालिटी ट्रिपल प्रेस ग्रेड शुड बी सिलेक्टेड। तो ट्रिपल प्रेसिंग से जो ग्रेड मिलता है स्टेरिक एसिड का, वही हमें यूज करना चाहिए। हाई मेल्टिंग पॉइंट, प्योर वाइटनेस, वेरी लिटल ऑर्डर एंड वेरी लो आयोडीन नंबर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन सिलेक्शन ऑफ द स्टेरिक एसिड ब्रांड। Excess stearic acid, a soap and water are basic constituents of stearate vanishing creams. Purified water, distilled, softened or deionized quality is required for the stability of the creams. So, जो ये इसके main ingredients हैं, stearic acid तो है ही है, साथ में soap हो गया, water तो basic है, और जो water है वो कौन सा होना चाहिए? Purified water होना चाहिए, distilled, softened और deionized. अगर हार्ड वाटर यूज करेंगे तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ लाइम एंड मैग्नीशियम सोप्स विच हैव टेंडेंसीज टू इन्वर्ट द क्रीम्स। सो इमल्शन ब्रेक कर सकते हैं ये, इसलिए सॉफ्ट वाटर ही यूज करा जाता है। द सोप इज फॉर्म्ड इन सीटू बाय रिएक्शन बिटवीन अ सुटेबल एल्कली एंड स्टेरिक एसिड। द टाइप ऑफ सोप एडिड आर और मेड एट द टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द हार्डनेस एंड अदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रीम। तो जो अल्कली होता है वो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर यूज़ करेंगे तो हार्डर सोप्स बनेंगी, और वाइल अगर हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करेंगे इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट सोप। अपार्ट फ्रॉम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ट्राई इथेनोलामीन इज ऑल्सो एन एक्सीलेंट अल्कली टू प्रिपेयर गुड क्वालिटी क्रीम्स। यूज ऑफ ट्राई इथेनोलामीन मेक्स द प्रिपरेशन ईजी एंड ऑफ वायबल नेचर। तो जो ट्राई इथेनोलामीन है, क्योंकि ये स्किन के लिए क्रोसिव नहीं होता, तो ये ज़्यादा अच्छी सोप्स को बनाता है और उससे अच्छी क्रीम्स बनती हैं। बोरेक्स कैन बी यूज टू मेक अ वेरी वाइट क्रीम, बट डिसएडवांटेज इज डैट प्रोडक्ट हैज़ अ डिस्टिंक्ट टेंडेंसी टू ग्रेन। उसमें दाने बन जाएंगे बीच में अगर हम बोरेक्स को यूज़ करेंगे। अमोनिया सोल्यूशन हैज़ अ टेंडेंसी टू डिसकलर क्रीम्स मेड विद इट आफ्टर सम टाइम। तो अमोनिया से कलर में खराबी आ जाएगी, डिस्कलरेशन हो जाएगी। ग्लिसरीन नॉट एक्सीडिंग 10% इज ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी एंड इन्हांस स्प्रेडिंग एबिलिटी। सो ग्लिसरीन इज ऑल्सो वन ऑफ द रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट, बट बीइंग हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर इट मे एब्जॉर्ब मॉइस्चर आफ्टर एप्लीकेशन फॉर्मिंग ऑफ माइन्यूट ग्लोब्यूल्स ऑफ वाटर। दीज प्रॉब्लम्स कैन बी ओवरकम बाई यूजिंग अल्टरनेटिव ग्लाइकोल्स। इसके अलावा पॉलीथालीन ग्लाइकोल वगैरह और ग्लाइकोल्स को यूज़ करेंगे हम तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो इसके अंदर जो मॉइस्चर अब्जॉर्बिंग की प्रॉब्लम आती है ग्लिसरीन को अगर हम यूज़ करते हैं। पर्लिनेस, द लश्चर अज्यूम्ड बाय वेनिशिंग क्रीम्स ऑन स्टैंडिंग इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंटरफेरिंग इंग्रेडिएंट्स रैदर देन टू द प्रेजेंस ऑफ एनी सब्सटेंस लाइकली टू प्रमोट पर्लिनेस। सो जो पर्ल जैसा, मोती जैसी इसकी चमक है जो, वो ड्यू टू स्टेरिक एसिड ही होती है। अगर और चीज़ें डालेंगे तो वो कम हो जाएगी। अ मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ सोप, एक्सेस स्टेरिक एसिड एंड वाटर विल बिकम नियरली
because of the formation of minute crystal of stearic acid or an acid stearate on standing for about 2 weeks. Low heat and occasional stirring may speed up this process. तो ज़्यादा अगर हम इनको एक्सेस स्टीरिक एसिड डाल देंगे तो उससे ये ख़राब हो सकती है क्रीम. प्रिजर्वेटिव शुड ऑलवेज बी प्रेजेंट इफ क्रीम कंटेन सब्सटेंस लाइकली टू डिटेरियोरेट अंडर बैक्टीरियल और फंगल एक्शन. सो मिथाइल और प्रोबाइल पैराबेंस आर द प्रिजर्वेटिव्स दैट आर एडेड टू द क्रीम्स टू प्रिवेंट टू माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए यूज होते हैं. परफ्यूम्स आर ऑल्सो यूज टू इम्पार्ट फ्रेग्रेंस टू द क्रीम्स. अ टेम्परेचर ऑफ 40 degrees जनरली कंसिडर सुटेबल फॉर एडिंग परफ्यूम्स, क्योंकि अगर ज़्यादा हीट में डालेंगे तो हम वो इवेपोरेट हो सकता है, परफ्यूम उसका लॉस हो जाएगा. सो नेक्स्ट इज द सेंसरी एडवांटेजेस ऑफ वैनिशिंग क्रीम. इट हेल्प्स टू कीप स्किन मॉइस्चराइज इन ड्राई एंड कोल्ड एरियाज. वैनिशिंग क्रीम्स हेल्प टू कीप द स्किन फ्रॉम बिकमिंग रफ एंड स्केली. इट कैप्चर्स वाटर ऑफ द स्किन एंड ऑल्सो गिव्स इट अ क्लियर एंड फ्रेशर लुक देन बिफोर. इट इज समटाइम्स यूज एज अ बेस फॉर कॉस्मेटिक्स एंड मेकअप एंड इवन जस्ट प्लेन फाउंडेशन. सो मेकअप लगाने से पहले जो फाउंडेशन बनती है वो इस क्रीम को यूज करा जाता है. वैनिशिंग क्रीम इज नॉट अ ब्यूटिफाइंग क्रीम बट रेदर अ प्रोटेक्टिव कवरिंग डैट द स्किन गेट्स सो डैट इट डज नॉट गेट हार्म्ड बाय ऑल द केमिकल्स डैट कॉस्मेटिक्स यूजली कंटेन. इट इज ईजियर फॉर पोर्स टू बी ब्लॉक्ड इफ वैनिशिंग क्रीम इज नॉट अप्लाइड एज बेस. इट ऑल्सो मेक्स द पाउडर्स एंड मेकअप टू अडेयर टू द स्किन इन अ जेंटलर एंड मोर नेचुरल फैशन. सो अगर इसको एज अ फाउंडेशन नहीं लगाएंगे तो मेकअप क्या करेगा, पोर्स को क्लॉक कर देगा, कोमेडोजेनिक हो जाएगा वो. तो उससे बचने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं. वैनिशिंग क्रीम्स आर ऑल्सो हेल्पफुल इन कीपिंग द स्किन फ्रेश. वैनिशिंग क्रीम्स रिटेन द मॉइस्चर एंड हेल्प्स इन कीपिंग द स्किन हेल्दी. तो टॉटनेस रखती हैं, टाइटनेस क्रीम की, स्किन की ये क्रीम्स. सो उससे पर्सन यंग लगता है थोड़ा, क्योंकि उनकी जो स्किन है बाद में सैग हो जाती है. सो इसलिए यहाँ पर क्रीम ये इस काम में भी यूज़ होती है. एन इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ यूजिंग वैनिशिंग क्रीम इज डैट इट डज नॉट स्टिक और इरीटेट द स्किन. वैनिशिंग क्रीम ऑल्सो डो नॉट गिव एन ऑयल फीलिंग एज दे वैनिश क्विकली इन अब्जॉर्बेंस बाय द स्किन. इट इज समटाइम्स द मोस्ट प्रेफर्ड टाइप ऑफ अ क्रीम इन द मार्केट. तो ग्रीसीनेस नहीं होती, इस कारण इसको ज़्यादा यूज करा जाता है. एज वैनिशिंग क्रीम हैड अ सेमी मैट फिनिश दे कुड बी यूज विदाउट पाउडर टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ऑयलीनेस एंड शाइन ऑन स्किन वेयर दिस वॉज अ प्रॉब्लम मेकिंग दैम पॉपुलर विद अफ्रीकन अमेरिकन. तो जिन लोगों की ज़्यादा ऑयली स्किन होती है उनकी जो शाइन होती है स्किन पे उसको कम करने के लिए भी ये यूज़ होती है, क्योंकि इसकी सेमी मैट फिनिश होती है. सो नेक्स्ट इज द लिमिटेशन. वैनिशिंग क्रीम्स आर नॉट टू बी यूज ऑल द टाइम एंड दे डू नॉट रिमूव मार्क्स ऑफ एक्ने स्कैरिंग. इट डज नॉट रिमूव स्कार्स बट ओनली हील्स द एक्ने मिनिमली. तो ये इसकी लिमिटेशन है. यहाँ पर एक्ने को हील नहीं करता ये ज़्यादा, सॉरी उसके स्कैर्स को नहीं रिमूव करता, सिर्फ हील करने में थोड़ी बहुत ही मदद करता है. इसके बाद वैनिशिंग क्रीम्स एज कॉस्मेटिकल्स. कॉस्मेटिकल्स कैसे बनते हैं, जब कोई व्हाट इज़ अ कॉस्मेटिकल, इट इज़ अ कॉस्मेटिक विद सम फंक्शनल इन्ग्रीडियंट एडिड टू इट. तो अगर ऐसा कोई इन्ग्रीडियंट इसमें डाल दिया जाए तो उसको हम कॉस्मेटिकल कह दिया जाएगा. वैनिशिंग क्रीम को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ज़्यादा लोगों को उसको सेल करने के लिए हम यूज़ करते हैं वेरियस कॉस्मेटिकल इन्ग्रीडियंट्स. सो उसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पर वाइटामिन ई, व्हाट इज़ द बेनिफिट, नरिशिज एंड रिजुविनेट्स द स्किन, प्रिवेंट्स रिंकल्स, फाइन लाइंस, फाइट्स एजिंग, सन डैमेज, हेल्प्स इन लाइटनिंग द स्किन टोन, ब्लेमिश एंड डार्क स्पॉट्स. कमर्शियल ब्रांड आते हैं इसके अरोमा मैजिक वाइटामिन ई नरिशिंग क्रीम. बर्बेरिस एक्विफोलियम एंड कैलेंडुला एक्सट्रैक्ट. तो ये प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट हैं. दिस रिड्यूस डार्क स्पॉट्स, अनइवन पैचेस एंड डी मार्क्स विद कंसिस्टेंट यूज. बियरबेरी, नीम ऑयल, यूफोर्बिया एक्सट्रैक्ट ट्रीट्स एक्ने बाय अनक्लॉगिंग द पोर्स. इट ऑल्सो रिड्यूस स्पॉट्स फॉर अ क्लियर एंड फ्लॉलेस कम्प्लेक्शन.
सो इस तरह से वाइटामिन बी थ्री ई, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स, एलोवेरा मंजिष्ठा एंड आलमंड एक्सट्रैक्ट्स, दीज आर ऑल द टाइप ऑफ कॉस्मेसूटिकल्स। इसके अलावा एंटी पिंपल पिंपल क्रीम्स भी बन सकती हैं इससे, ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम्स इसमें डल जाती हैं बीच में। ग्लाइकोलिक एसिड रिमूव्स डेड स्किन सेल फ्रॉम द स्किन विच इज़ बेनिफिशियल इन टू वेज, इट हेल्प्स टू लाइटन पिंपल स्कार्स एंड डज नॉट लेट द पोर्स क्लोग, दिस वे इट प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ एक्ने एंड रिमूव्स द एक्ने मार्क्स। तो ये पिंपल्स को, एक्ने को ये रिमूव भी कर सकता है और उनके स्कार्स को, उनके दागों को भी ख़त्म कर सकता है। द वेरियस टॉपिकल क्रीम्स अवेलेबल इन मार्केट आर ग्लाइको 6 कंटेनिंग 6% ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइको 8 कंटेनिंग 12% ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाहलोशन, डिक्रोमा 6 कोलिक ग्लाइकोलिक एसिड मे कॉज इरिटेशन, स्किन डैमेज एंड रेडनिंग द फेस इज सेफर एंड कंटेन्स, द फेस वॉश इज अ सेफर एंड कंटेन्स ओनली 1% ऑफ गैलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड। इसके अलावा नो मार्क्स क्रीम भी बन जाती हैं इसकी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और 100% नेचुरल एक्टिव्स इसमें डाल के तो ये नो मार्क्स मार्क्स को ख़त्म करने में क्रीम्स बनती हैं। क्लियरसिल अल्ट्रा रैपिड एक्शन पिंपल क्लियरिंग क्रीम, ये क्रीम ये भी एक टाइप ऑफ वैनिशिंग क्रीम है। हिमालय एक्ने एंड पिंपल क्रीम, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ वैनिशिंग क्रीम। गार्नियर प्योर एक्टिव पिंपल रिलीफ रोल ऑन, इट कंटेन्स 2% ऑफ सैलिसिलिक एसिड, द प्रिपरेशन वर्क्स वेल ऑन टीनेज पिंपल्स एंड ब्लैक हेड्स।